हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिश बायोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक नर्वस सिस्टम ऑफ फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू एनी टाइप ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस। इट कंस्टिट्यूट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग एंड इंटरग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द एनिमल्स बॉडी। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम include the sensory structures, nerve, brain and the spinal cord. किसी भी तरह का जो stimuli होता है वो receptor या sense organ से sensory nerve fiber के द्वारा central nervous system तक जाता है और response फिर इस central nervous system से motor nerve fibers के द्वारा उस organ तक पहुंचता है। इस slide में हम फिश का नर्वस सिस्टम देख रहे हैं जिसमें हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है। ऑल्फैक्टरी सैक्स और बल्ब्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड एंड कनेक्टेड टू नॉस्ट्रिल्स। टेस्ट बड्स लोकेटेड इन माउथ्स और बार्बल्स। इंट्रोडक्शन, इन फिशेस नर्वस सिस्टम इज द प्राइमरी मैकेनिज्म टू कोऑर्डिनेट and integrate body activities. The stimuli are received by the nervous system through sense organs. जो nervous system है उसका जो function होता है electrical properties से connected होता है और इसकी जो या हम ऐसे कह सकते हैं electrical properties के समान होता है और जो इसकी functional unit होती है वो neuron होती है। Nervous system is derived from ectoderm. Division of nervous system. Nervous system is divisible into three parts. First, central nervous system, second peripheral nervous system, and third is autonomic nervous system. Nerves arising directly from the brain constitutes the central nerves and those arising from the spinal cord constitutive spinal nerves. इस स्लाइड में हम नर्वस सिस्टम का डिवीजन देखेंगे। फर्स्ट, जैसे ये नर्वस सिस्टम है, दिस नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अगेन देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, first brain and second spinal cord, and third autonomic nervous system is again divided in two parts, sympathetic and parasympathetic. Brain is divided in three parts, forebrain, midbrain and hindbrain. इस तरह से हमने ये नर्वस सिस्टम का डिवीजन देखा। Now structure of brain. Fish typically have quite small brains relative to body size compared to other vertebrates. इसका जो साइज होता है दूसरे वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन कुछ फिशेस होती हैं लाइक शार्क्स हैव लार्ज ब्रेन्स। ये जो ब्रेन होता है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली इसके मेन थ्री पार्ट्स होते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, एक्चुअली द एम्ब्रियोनिक एंटीरियर वेसिकल कॉल्ड प्रोसेंसेफेलॉन गिव राइज टू टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जो फोर ब्रेन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड द डायनसेफेलॉन। The telencephalon is smell area of the brain and the diencephalon is the sight area of the brain. दोनों का function अलग अलग है। The middle one called mesencephalon differentiated into the optic lobes, while the most posterior rhombencephalon give rise to the metencephalon जिसे हम cerebellum भी कहते हैं, and the myelencephalon जिसे हम मेडुला ऑब्लोगेटा भी कह सकते हैं। द टेलेंसेफेलॉन इन एडल्ट फिशेस मे बी फॉर्म्ड बाय
इवेजिनेशन एंड इनवर्शन और बाय इवर्जन। इस स्ट्रक्चर में हम इस स्लाइड में फिश का जो फिश ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें हमें इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, पिट्यूटरी एंड दिस सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम एंड दिस मेड्यूला। तो इस तरह से ये फिश ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने देखा जो प्रोसेफेलॉन होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। तो अब इसमें हम टेलेंसेफेलॉन के बारे में पहले पढ़ेंगे। दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेनली कंसर्न्ड विद द रिसेप्टर एंड कंडक्शन ऑफ स्मेल। द सेंसरी रिसेप्टर फॉर ऑल्फैक्शन प्रोजेक्ट टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब। टेलेंसेफेलॉन इज डिवाइडेड इंटू टू प्रिंसिपल रीजन्स। फर्स्ट एरिया वेंट्रलिस एंड सेकेंड इज एरिया डॉर्सलिस। वेंट्रल एरिया रिसीव्स सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी फाइबर्स एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर इन ऑल बॉनी फिशेस। होलोस्टियाई रिसीव्स सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी फाइबर्स विद डॉर्सल एरिया। टेलेंसेफेलॉन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ फिशेस, लाइक सेक्सुअल बिहेवियर एंड पैरेंटल बिहेवियर। स्टडीज शोज टेलेंसेफेलॉन हैज अनदर रोल इन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, फोर ब्रेन अब्लेशन इन द थ्री स्पाइन स्टिकल बैक फिश लीड्स टू डिसकोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीडिंग बिहेवियर। द सेंस ऑफ स्मेल डज नॉट सीम टू बी कंसर्न विद सच अल्टर्ड बिहेवियर। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एग्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, पैरेंटल बिहेवियर एटसेट्रा। इट इज अ मीडियन डायमंड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इज अ मीडियन डायमंड शेप्ड एरिया बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ऑप्टिक लोब्स। इट इज रिगार्डेड एज द साइट एरिया इन फिशेस। इट इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड बिहाइंड द टेलेंसेफेलॉन। इट इज कॉल्ड एज ट्वीन ब्रेन। इट इज बाउंडेड इन फ्रंट एंड बिहाइंड बाय ट्रैक्ट्स कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमिशर रेस्पेक्टिवली। डिविजिबल इन टू डॉर्सल एपिथैलेमस, मिडल थैलेमस एंड अ वेंट्रल हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट डॉर्सल एपिथैलेमस, सेकेंड मिडल थैलेमस एंड थर्ड वेंट्रल हाइपोथैलेमस। अ नैरो स्पेस इनक्लोज्ड विद इन द डायनसेफेलॉन रिप्रेजेंट्स द थर्ड वेंट्रिकल और डायोसीन। फ्रॉम द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन अराइजेस द पीनियल बॉडी एज एन इवेजिनेशन। इन साइक्लोस्टोम्स द पीनियल बॉडी हैज एन आई लाइक स्ट्रक्चर विथ रेटिना एंड लेंस। ये जो पीनियल बॉडी होती है वो बॉनी फिशेस में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती और उसका फंक्शन डाउटफुल रहता है। और ये पीनियल बॉडी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है और जो इसका सीक्रेशन होता है वो गोनेट्स और मेलानोफोर्स पर इफेक्ट करता है। द डायनसेफेलॉन अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑन द वेंट्रल साइड। द एपी एंड हाइपोथैलेमस आर वेरी थिन व्हाइल द थैलेमस रिप्रेजेंट्स द मेन बल्क ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एपिथैलेमस। इट हैज टू पार्ट्स, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। द एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिथैलेमस इज वेरी थिन एंड टुगेदर विद वेस्कुलर मीनिक्स इट फॉर्म्स द टेला कॉर्डिया। द लेटर प्रोजेक्ट्स इनटू द लेटरल वेंट्रिकल्स फॉर्मिंग द एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। द कोरोइडिया इन सर्टेन फिशेस फॉर्म्स द कोरोइडल सैक्स व्हिच आर ऑफन वेरी लार्ज एंड बल्ज डॉर्सली अबव द डायनसेफेलॉन। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिफाइशियल अपरेटस। अ पेयर ऑफ एलिवेटेड ग्रे मासेस द हैबेनुला आर ऑफन फाउंड बिहाइंड द पीनियल बॉडी। दीज आर इंटरकनेक्टेड बाय डेलिकेट ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर्स कॉल्ड द
habenular commissure. Next is hypothalamus. It is the ventral part of the diencephalon and processes following structures. इसमें तीन structures हैं, four structures हैं. First is optic chiasma. It is formed as a crossing of two optic nerves after they have emerged from their respective optic lobes. Second is infundibulum and hypophysis. A hollow outgrowth behind the optic chiasma represents the infundibulum. The latter extends ventrally backwards to join with glandular diverticulum, the hypophysis, given off from the roof of the buccal cavity. The infundibulum and hypophysis together form the pituitary gland of the fish. Former gives rise to the posterior lobe or pars nervosa and the latter to the anterior and intermediate lobes of pituitary. Next is inferior lobe. These are a pair of hollow lobes lying on each side of the base of infundibulum. And next, sulcus vasculus. It is a small hollow invagination lying behind the pituitary and, like the latter, has an extension of third ventricle. Its endocrine role is much doubtful, but as it is better developed in deep sea fishes, the function of depth perception is often assigned to it. Next is thalamus. It is the largest portion of the diencephalon. It consists of thalamic fiber tracts extending to and from the telencephalon. इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा. वो फर्स्ट फोर ब्रेन जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन. अगेन डायंसेफेलॉन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. जो नेक्स्ट ब्रेन का दूसरे पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक्स क्लास.